आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत स्काउट और गाइड गोरखपुर इकाई द्वारा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने किया, जिसके संबंध में DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 14 अगस्त को भारत विभाजन हुआ था, उस विभीषिका से हमारे देश का नुकसान हुआ था, जिसकी याद में तिरंगा साइकिल यात्रा निकाला गया है। उन्होंने बताया कि जिन वीर शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद करने में अपना बलिदान दिया था, उनकी याद में यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए हर घर झंडा लगाया जा रहा है, जिससे सभी लोग वीर शहीदों को याद कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, भारत माता की जय, रहे मौत को जो ललकार, रहे मौत को जो ललकार, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मौत को जो ललकार, रहे मौत को जो ललकार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय। आइए धीरे 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 इनके पीछे होना है, फैसा दूसरे फैसा ये बाइक के पीछे हो जाना है, अब उधर आगे नहीं जाओ, पीछे ही लगना, निकलते रहो निकलते रहो बेटा, इसी निकलो तो इनके बीचों बीच इधर चलना है। आज़ादी का अमृतसर मना रहे हैं 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त को भारतवर्ष से एक पाकिस्तान अलग देश बना था, उस विभीषिका से जो मतलब नुकसान हुआ था, उससे हमारे देश में जो प्रभाव पड़ा था, उसकी यादगार में हम लोग ये आज साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। ये घर का झंडा लगाने का उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उनको याद करते हुए उन्होंने जो काम देश के लिए किया, उससे घर घर के लोगों को जानकारी हो जाए और हमारा जो झंडा है पूरे विश्व में चमकता रहे, उसकी यादगार में हम लोग आज एक घर का झंडा फैला रहे हैं। ये आज जो घर घर तिरंगा रैली जो उसका मेन उद्देश्य है लोगों के प्रति, लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूक करना और राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत करना, और ताकि जो नागरिक हैं भारत के वो अपने देश के प्रति सजग और जो सभ्य जीवन है वो व्यतीत कर सकें। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा का यही मेन उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, सब लोग अपने देश के प्रति सम्मान प्रकट करें और वो उसके देश के प्रति, उसके इतिहास के सब जान सकें।